एवरीवन मुस्कान शर्मा एंड वेलकम टू फार्मेसी तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसकी थ्योरी में हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं और उनमें क्या क्या चीजें हैं तो आज हम कुछ ही मिनटों में लेंगे पूरी थ्यूरी का ओवरव्यू सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड लेट्स गेट इन टू वीडियो सो बेसिकली फार्मास्यूटिक्स थ्योरी की बात करेंगे इसमें सिर्फ सेवेंटी फाइव आवर्स की थ्री आवर्स पर वीक की थ्योरी है आपकी तो इसमें क्या है बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपको इसमें बताया जाएगा फार्मास्यूटिक्स है क्या बेसिकली क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है कैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म बनानी होती है कैसे टैबलेट्स बनेंगे कैसे सिरप्स बनेंगे लिग्जर्स बनेंगे डिकॉक्शंस बनेंगे ऑइंटमेंट कैसे बनती है पेस्ट कैसे बनता है ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे उनको पैक कैसे करेंगे लेबलिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट इंग्रेडिएंट्स ये सब चीजें पड़ेंगे फिर जब आपने चीज बना ली उसे क्वालिटी चेक करोगे उसकी क्वालिटी है कि नहीं है फिर क्वालिटी एश्योर करोगे कि येस इट इज़ अप टू द स्टैंडर्ड एज पर जी एम पी दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बिल्कुल उसके साथ के मैच कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स आप लैब टेस्ट करवाओगे क्वालिटी मेंटेन करोगे तो जाके आपकी ड्रग फाइनल होगी ठीक है तो आपको इसमें जनरल कोर्स में ओवरव्यू यही पढ़ना है बिल्कुल वही है कि फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट पढ़ोगे कैसे चीजें बनती हैं डिफरेंट डोसेज फॉर्म हमारी क्या फायदे हैं क्या नुकसान है कैसे क्वालिटी कंट्रोल करेंगे क्वालिटी एश्योर करेंगे और जीएमपी के अकॉर्डिंग काम करेंगे राइट सो so, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट यूनिट में है दैट इज हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन तो इसमें आप क्या पढ़ोगे बेसिकली फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको हिस्ट्री लिखनी होगी पूरी फार्मेसी प्रोफेशन की कि शुरू कहां से हुआ ठीक है कि वही प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब हिस्ट्री में किसने फार्मेसी की शुरुआत की पहले दवाइयां कैसे बनती थी कैसे सप्लाई होती थी कहाँ बनती थी क्या उनका स्टैंडर्ड था वो सारी चीजें पढ़ोगे आप ठीक है साथ ही साथ आप पढ़ोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस सॉरी प्री इंडिपेंडेंस की आजादी से पहले ठीक है प्री इंडिपेंडेंस पढ़ोगे आज़ादी से पहले कैसे काम होता था एंड देन आप पढ़ोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस की आज़ादी के बाद कहाँ कहाँ चेंज आया है आप वो चीज़ें इसमें पढ़ोगे ठीक है पूरा आप हिस्ट्री पढ़ोगे फार्मेसी प्रोफेशन की इंडस्ट्री से रिलेटेड फार्मेसी से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड ये सारी कि पहले ये ये कोर्स होते थे फिर इन्होंने डी फार्मा शुरू करा बी फार्मा शुरू करा एम फार्मा शुरू करी ये सब आप पढ़ोगे ठीक है देन केम फार्मेसी एज़ अ करियर फार्मेसी एज अ करियर में आपको क्या बताया जाएगा बेसिकली इसका स्कोप क्या है क्या स्कोप है मतलब कि अगर आप फार्मेसी पढ़ते हो डी फार्मा करते हो बी फार्मा करते हो एम फार्मा करते हो तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो तो वही है आप इसमें अपनी फार्मेसी खोल सकते हो ठीक है हॉस्पिटल में काम कर सकते हो कम्युनिटी एरिया में काम कर सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जा सकते हो ठीक है इंडस्ट्री में काम कर सकते हो ठीक है दवाइया बना सकते हो इंडस्ट्री खोल सकते हो ठीक है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए लग सकते हो टीचिंग में जा सकते हो ठीक है तो ये सारे इसके वाइड स्कोप्स में आ जाएगा फार्मेसी एज अ करियर मतलब कि आप अगर फार्मेसी पढ़ते हैं और उसके बाद आपका स्कोप क्या रहेगा करियर अगर आप ऑप्ट करते हैं इसको ठीक है फिर आएगा फार्माकोपिया फर्स्ट यूनिट में ये भी है जिसमें आप आईपी इंडियन फार्माकोपिया ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ये एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज ये सब चीजें पढ़ेंगे ठीक है इंडियन फार्माकोपिया को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली फार्माकूपियाज होता क्या है ये हमारी एक बुक है जो कि गवर्नमेंट से इशू हो रखी होती है ये एक लेजिस्लेशन लॉ का, का काम करती है इस पर जो लिखा है आपको बिल्कुल वैसे का वैसा चलना पड़ेगा और इसी को ही अप्रूवल स्टैंडर्ड माना जाता है तो फार्माकोपियाज के बारे में पढ़ोगे कि हमारे इंडिया के फार्माकोपिया में क्या चीज़ है ब्रिटिश में क्या चीज़ है यूनाइटेड स्टेट्स में क्या चीज़ है ये सारी चीजें आप डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर सेवन आवर्स का है ठीक है तो इसमें बेसिकली यही सब आएगा हिस्ट्री आ जाएगी स्कोप आ जाएगा या फार्माकोपियाज आ जाएंगे इसमें से यही तीन क्वेश्चन मेन बनते हैं ठीक है देन केम चैप्टर नंबर टू दैट इज पैकेजिंग मटीरियल पैकेजिंग मतलब कोई चीज आप पैक कर रहे हो आपने बनाए डोसेज फॉर्म बना ली टैबलेट बना ली सिरप बना ली अब आप पैक कैसे करोगे तो पैकेजिंग के लिए आपके पास काफी तरीके थे जैसे कि ग्लास कंच के किसी चीज में कर सकते हो प्लास्टिक में कर सकते हो मेटल में कर सकते हो रबड़ की पैकेजिंग कर सकते हो तो वही आप पढ़ोगे पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है डेफिनेशन पढ़ोगे उसकी आप फिर आप पढ़ोगे सिलेक्शन कैसे हम चूज करेंगे ठीक है कि हमें कौन सा लेना है ठीक है जैसे मैंने टैबलेट बनाई है तो मेरे वाली टैबलेट को किस में रखना तो वो मैं देखूंगी क्राइटेरिया क्या है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम क्या फायदे हैं क्या नुकसान है वो सारी चीजें इसमें पढ़ूंगी जैसे ग्लास की बात करें ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल अगर हम लेते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन कि ग्लास किस किस चीज का मिलकर बना होता है ठीक है फिर हम पढ़ेंगे कि सेलेक्शन क्राइटीरिया अगर हमें ग्लास लेना है तो ये ये चीजें हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए कितनी तरह का ग्लास होता है क्या प्रॉपर्टीज है उसकी कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है ये सारी चीजें सेम ऐसे ही प्लास्टिक का जाएगा मेटल का जाएगा ये सारे पैकेजिंग मटेरियल की तरह कैसे काम करते हैं ठीक है देन केम आवर थर्ड यूनिट दैट इज फार्मास्यूटिकल एड्स फार्मास्यूटिकल एड्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रग्स जो हमारी डोसेज फॉर्म्स होती है सॉरी जो हमारी मतलब ड्रग्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जैसे कि बेस्ड ऑन ऑरिजिन कहाँ से मिली है पेड़ पौधों से मिली है जानवरों से मिली है ठीक है हमारी मिनरल्स या न्यूट्रिय से मिली है वो आ जाएगा फिर इसकी आ जाएगी डोसेज फॉर्म के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन डोसेज फॉर्म के अकॉर्डिंग यानी कि टैबलेट है हमारे पास सिरप है हमारे पास टिकलिगजर है हमारे पास किस चीज़ में डोसेज फॉर्म है हमारी वो आ जाएगा ठीक है देन उसके यूसेज पे आ जाएगा क्लासिफिकेशन यूसेज मतलब कहाँ कहाँ लगा रहे हैं जैसे एंटीबाटिक्स का काम क्या है फीवर को कम करना एनर्जिस्टिक्स का, का काम क्या है पेन को कम करना एंटीबायोटिक काम का काम क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम करना तो ये यूसेज के बेसिस पे आ जाएंगे देन हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स पढ़ेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स मतलब जो उसके ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे जैसे कि कलर color, कलरिंग के लिए हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ठीक है कलरिंग के लिए क्योंकि कई मेडिसिन आपने देखी हुई कोई लाल होती है कोई हरी होती है कोई नीली होती है है ना तो कलरिंग के लिए एजेंट्स पढ़ेंगे हम इसमें आप पढ़ोगे कि कौन कौन से एजेंट्स आप एज अ कलरिंग एजेंट कितना यूज़ कर सकते हो कब कब करने चाहिए फ्लेवरिंग फ्लेवर स्वाद देने के लिए ऑरेंज फ्लेवर हो गया चॉकलेट फ्लेवर हो गया होता है ना सिरप्स बना दिए ड्रग्स बना दी तो वो हो गया स्वीटनिंग एजेंट क्योंकि कुछ ड्रग्स काफी ज्यादा कड़वी होती हैं तो इट इज मैंडेटरी इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप उसे मीठा करें तो स्वीटनिंग एजेंट का जो काम करेंगे वो पढ़ोगे फिर आप पढ़ोगे इसमें प्रेजरवेटिव प्रेजरवेटिव क्या होता है प्रिजर्व आ गया वर्ड प्रिजर्व मतलब जो चीज बचा के रखेगी मेरी कोई चीज खराब ना हो उसके लिए मैं जो एजेंट को यूज करूंगी ताकि मेरी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और वो बची रहे तो वो प्रेजर्वेटिव हो गए ठीक है आप पढ़ोगे प्रेजर्वेटिव होते क्या है कितनी तरह के होते हैं कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सी ड्रग के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं तो फार्मास्यूटिकल एड्स और प्रेजर्वेटिव ये हो गए ठीक है देन केम आवर यूनिट फोर और चैप्टर फोर दैट इज़ यूनिट ऑपरेशन यूनिट ऑपरेशन बेसिकली क्या है जैसे मैंने फैक्ट्री खोल ली अब यहाँ पे मेरे को अपनी यूनिट एरिया होना चाहिए मेरा प्रॉपर ठीक है वो ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे होना चाहिए कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रिंसिपल्स में मैं ड्रग बना सकती हूँ कैसे बनाना है वर्किंग इन सब की आएगी ठीक है जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइज रिडक्शन दे रखा है इन्होंने साइज रिडक्शन में हैमर मिल और बॉल मिल दिया हुआ है इन्होंने तो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स कौन कौन से जैसे हैमर मिल ठीक है हैमर मिल क्या करेगा जैसे ये बड़ा साइज है अब इसके मेरे को छोटे छोटे पार्टिकल बनाने हैं इतने इतने तो मुझे इनको किसी ना किसी तरीके से तोड़ना पड़ेगा तो हैमर मिल का इस्तेमाल होगा साइज रिडक्शन मतलब साइज का कम करना हैमर मिल और बॉल मिल ठीक है हैमर मिल आप पढ़ोगे फिर प्रिंसिपल पढ़ोगे उसके किस प्रिंसिपल पे काम करता है कैसे कंस्ट्रक्शन है ओवरऑल बनी हुई है कैसे चलेगा कहाँ कहाँ लगा सकते हैं क्या नुकसान है क्या फायदे हैं आप ये चीजें इसमें पढ़ोगे सेम एज इट इज़ बॉल मिल में आप पढ़ोगे ठीक है बॉल मिल का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एप्लीकेशन मैरिट्स डीमेरिट्स ये सब पढ़ोगे और यही सब चीज़ें अगर आपको और डिटेल में पढ़नी है या अच्छे से पढ़नी है तो हमारा उदित फार्मेसी क्लासेस का एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप प्ले स्टोर पर भी जाके देख सकते हैं तो वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं ये वाला सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है डिटेल में अच्छे से सो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से ठीक है तो so सेकेंड हमारे पास है साइज सेपरेशन साइज सेपरेशन अलग अलग साइज के सेपरेट करने हैं जैसे कि ये इतना बड़ा है ये इतना बड़ा है ये इतना छोटा है इतना ठीक है तो इनको अलग अलग करना है ऐसे काफ़ी सारे मिक्स हो रखे हैं ठीक है अब मेरे को इनको क्या करना है अलग अलग करना है साइज के बेसिस पे तो वो पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे पाउडर की कितनी तरह के पाउडर होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया साइक्लोन सेपरेटर साइक्लोन हो गया ऐसे 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 जो घूमता है ठीक है साइक्लोन सेपरेटर से आप सेपरेट कर सकते हो साइज के अकॉर्डिंग सीव्स हो गया जो छन्नी होती है वो कितनी तरह की होती है उनके क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सारी चीजें आप इसमें डिटेल में पढ़ोगे ठीक है इसमें भी उसके मैकेनिज्म आ जाएगा क्लासिफिकेशन आ जाएंगी ये सब चीजें आ जाएंगी फिर आते हैं मिक्सिंग मिक्सिंग अगर आपको दो चीजें मिक्स करनी है तो उसके लिए ब्लेंडर का इस्तेमाल होता है जैसे डबल कोन ब्लेंडर हो गया सेम ऐसे आप डबल कोन ब्लेंडर की भी क्या पढ़ोगे यही सेम चीज़ें प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस टर्बाइन मिक्सर हो गया ट्रिपर रोलर मिल हो गई सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइज़र हो गया तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं ठीक है मशीनें हैं जिनका काम करना आपको आ सकता है पेपर में ठीक है फिर है फिल्ट्रेशन फिल्टर आउट करना थ्योरी पढ़ोगे आप फिल्ट्रेशन की फ़िल्ट्रेशन होता क्या है ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे ठीक है इसमें थ्योरीज़ में हमारे पास इक्वेशन आ जाती है पोइसिलो इक्वेशन आ जाती है डार्सी इक्वेशन आ जाती है कोजैनिक आर्मान इक्वेशन आ जाती है वो भी हमने डिटेल में अपने जब हमने ये चैप्टर कवर किया तब हमने किया हुआ ये ठीक है थीके? मेम्ब्रेन फिल्टर कुछ मेम्ब्रेन होती है ऐसी वो भी फिल्टर का काम करती हैं या ग्लास के फिल्टर आते हैं सिंटेड ग्लास फिल्टर वो हो गया तो ये भी हमारे फिल्ट्रेशन के अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं ड्राइंग सुखाने के लिए वर्किंग ऑफ लूडाइज बेड ड्रायर ये बेड ड्रायर होता है हमारा उसका काम ठीक है कैसे हम आ, फ्रीज करके सुखा सकते हैं किसी चीज को वो भी हमने डिटेल में कवर किया और इस चैप्टर में बेसिकली ये ही है ठीक है जिसमें हमारे पास तरह तरह के ड्राइंग इक्विपमेंट्स आ जा जाते हैं फिर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट हो गया किसी को किसी चीज में से निकालना ठीक है तो एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ठीक है कितनी तरह की हमारी एक्सट्रैक्शन बेसिकली होती है ओके जैसे कि हमारे पास मैसरेशन आ जाता है ठीक है मैसरेशन और मॉडिफिकेशन आ जाती हैं हमारे पास ठीक है सिंपल मैसरेशन मॉडिफाइड मैसरेशन मल्टीपल मैसरेशन डाइजेशन हमारे पास परलोकेशन ठीक है सॉरी परकोलेशन आ जाती है हमारे पास ठीक है कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन आ जाती है और बहुत सारे एक्सट्रैक्शन के मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वो आ जाते हैं ठीक है तो ये कवर करेंगे फिर आ जाता है हमारा चैप्टर फाइव चैप्टर फाइव में हमारे पास डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स आ जाती है फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म इसका नाम है चैप्टर का ठीक है इसमें अलग अलग जैसे कि टैबलेट्स टैबलेट्स की आप डेफिनेशन पढ़ोगे टैबलेट्स होती क्या हैं क्या फ़ायदे हैं इनके क्या नुकसान है फ़ायदा है ठीक है खा सकते हैं हम ठीक है और इतना कुछ रिलायबल नहीं है किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है हम खुद से ले सकते हैं लेकिन नुकसान क्या है टेस्ट में कई बार कड़वी होती है अनकॉन्शियस मरीज है बच्चा है उसे नहीं दे सकते हैं फिर इसके आप टाइप्स पढ़ोगे ठीक है कि कोटेड अनकोटेड ठीक है वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट जैसे सस्टेन रिलीज एक्सटेंडेड रिलीज जिसका लंबे टाइम तक असर रहेगा जल्दी घुलने वाली ठीक है लेयर जो एक पे एक पे एक परत चढ़ी होती है पहली परत डिजॉल्व होगी तो वो निकलेगा दूसरी परत डिज़ोल्व होगी तो वो निकलेगा तो ये सारी आप चीज़ें इसमें पढ़ोगे ठीक है और इसी के अंदर आप पढ़ोगे बेसिकली कि कैसे कंप्रेशन डायरेक्ट कंप्रेशन से ड्राई ग्रेन्यूलेशन वेट ग्रेन्यूलेशन ये सब इसका पार्ट आएगा इवेलुएशन देखोगे डायमीटर साइज और शेप देखोगे उनकी वजन में उनकी वेरिएशन देखोगे मोटा उनकी मोटाई देखोगे थिकनेस देखोगे ठीक है हार्ड कितनी है फ्राइबल टूट कितनी जल्दी जा सकती हैं एक जैसी हैं कि नहीं है इधर से खुरदरी ना हो कहीं से इनका डिस टेस्ट करोगे डिजोल्यूशन टेस्ट होगा ये सारी चीज़ें आएंगी मॉडिफाइड टैबलेट्स में हमारी अलग अलग आएंगी तो इनके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है ठीक है फिर आता है हमारे पास कैप्सूल्स कैप्सूल में हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन के कैप्सूल हो गए पहले पढ़ोगे आप कैप्सूल होते कै, क्या हैं क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है इसके हार्ड जेलेटिन कैप्सूल कैसे बनते हैं कैसे उन्हें फिल करा जाता है क्या क्या दिक्कतें आती हैं कैसे सील करोगे कैसे उन्हें पॉलिश करोगे वो सारी चीज़ें आ गई सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स पढ़ोगे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में भी उन्हें प्रिपेयर कैसे करोगे ठीक है और क्या इसके फायदे हैं क्या नुकसान है ये हो गया ठीक है फिर हमारे पास आती है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन जो हम लिक्विड तौर पे पानी के फॉर्म में जो ओरल प्रिपरेशन जिसमें सोल्यूशन आ गया कोई पीने का सिरप आ गया एलिक्जर आ गया इमल्शन आ गया सस्पेंशन आ गया ड्राई पाउडर और ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिटेशन जैसे ओ वगैरह हो गया वो घोल के आपने पी लिए ये सारी चीजें हो गई ठीक है तो आप इनको डिटेल में पढ़ोगे इनके क्या क्या फ़ायदे हैं कितनी तरह के होते हैं क्या नुकसान है ये सारी चीज़ें आगे टॉपिकल प्रिपरेशन में टॉपिकली हो गया जो कि आप स्किन पर लगा होंगे जैसे कि ऑइंटमेंट हो गई कोई क्रीम हो गई पेस्ट हो गया जेल हो गया लिनिमेंट्स लोशन सुपोजिटरीज जो कि वे में डाले जाते हैं ठीक है पिसारीज हो गए ये सारी चीज़ें बेसिकली सारिस वजाइना में डाली जाती है सुपोजिट्री एनस में डाली जाती है तो ये सारी चीज़ें आप इनको डिटेल में पढ़ोगे कि, कि ये बनती कैसे हैं ठीक है कहाँ कहाँ इनका यूज़ है ठीक है किन किन चीज़ों से मतलब कहाँ कहाँ इनकी फॉर्मूलेशन है कैसे कर सकते हैं ये सारी आगे नेजल प्रेपरेशन जो नाक में डल सकती है ईयर प्रपरेशन जो कान में डल सकती हैं वो आ गया पाउडर और ग्रैन्यूल में आप पाउडर की इंट्रोडक्शन देखोगे कितनी तरह के पाउडर होते हैं ठीक है क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं वो आ गया इंसफलेशन डस्टिंग पाउडर एफाब्रेसन पाउडर या एफिब्रेसन पाउडर ग्रेन्यूल ये सब चीज़ें पड़ोगे फिर स्टेराइल हो गया स्टेराइल जो बॉडी में जाएंगे इंजेक्शन वाले हो गए ठीक है वो सारी चीज़ें हो गई आई ड्रॉप आई ऑइंटमेंट क्योंकि स्टेराइल होनी चाहिए स्टेराइल मतलब बैक्टीरिया फ्री होनी चाहिए ठीक है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ गए इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में सिरा वैक्सीन हो गए टॉक्सॉइड हो गया उनके मैन्युफैक्चरिंग मेथड कैसे कैसे बनते हैं वो सारी चीजें पढ़ोगे तो ये यूनिट आपके लिए काफ़ी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ठीक है फिर आता है हमारे पास सिक्स यूनिट दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट सेक्शन एंड एक्टिविटीज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लान क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस डेफिनेशन कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको पढ़ोगे क्वालिटी को कंट्रोल कैसे किया जाता है क्या फर्क है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे और एश्योर कैसे करेंगे उसको मेक श्योर sure कैसे करेंगे तो डेफिनेशन वगैरह पढ़ोगे इनका कंसेप्ट पढ़ोगे फिर आप पढ़ोगे सीजीएमपी के बारे में दैट इज करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ोगे ठीक है कि क्या कितने कहां कहां पर होने चाहिए कहाँ कहाँ पर होने चाहिए क्या एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एक यूनिट हमारा लगता है उसका क्या स्ट्रक्चर है कहाँ पर क्या होना चाहिए ये सारी चीज़ें आ गई लेआउट क्या कितने सेक्शन में डिवाइड होना चाहिए कहाँ पर ड्राई होगी वो कहाँ पर बनेगी ठीक है कहाँ पर उसमें मिक्सिंग होगी वो सारी चीज़ें आ गई इसमें आप एक्टिविटीज़ पढ़ोगे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कंसेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन देखोगे कि कैलिब्रेशन कैसे होती है वैलिडेशन कैसे होती है क्वालिफिकेशन कैसे होती है ठीक है जैसे कि कैलिब्रेशन बेसिकली हो गया कि हमारा कैलिब्रेट कितना है वो मतलब हमारी नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जैसे फो थर्टी टू डिग्री हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है तो थर्टी टू ही आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है वो कैलिब्रेशन हो गई आपको उसके अकॉर्डिंग कैलिब्रेट करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट को वैलिडेट की जो आप चीज़ मेजर कर रहे हो वो मेजर हो भी रही है कि नहीं हो रही वो वैलिडेशन हो गई ये हो गया तो इससे एक चैप्टर आपका छोटा सा है पर अच्छा चैप्टर है इसमें आपको सारी सी की गाइडलाइंस हैं वो गिवर है देन हमारा लास्ट चैप्टर है दैट नोवल ड्रग डिलीवरी एग्जाम्पल और क्या फायदे नुकसान है नुकसान हैं वो सब पढ़ोगे जैसे कि हमारे पास आजकल काफी तरीके से इम्प्लांट कर देते हैं स्किन पर ही लगा देते हैं पैचेज रख देते हैं तो ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे सो so, ये था आपका फार्मास्यूटिक्स का हमारा ओवरऑल थ्योरी का पूरा कि, कितना बुक में है ठीक है हर चैप्टर में क्या क्या है सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो बाकी अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय बाय